भारत माता की, भारत माता की। पट्टू दल की, पौरुषण की, मारू पेरें तेलंगाना प्रजल को नमस्कार मोलो। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार शाम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती हैं, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती हैं। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है न कोई परवाह होती है। इनकी राजनीति सिर्फ इस बात पर केंद्रित होती है कि एक परिवार लगातार किसी भी तरह सत्ता पर कब्जा करके लूट सके तो लूटता रहे। इसके लिए ये लोग समाज को बांटने की साजिश रखते हैं। जनता का विकास में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। पिछड़ेपन, समाज पीछे रहे उसी में उनका भला देखते हैं। साथियों, परिवारवाद की वजह से देश के युवाओं को, देश की प्रतिभाओं को राजनीति में आने का अवसर भी नहीं मिलता। परिवारवाद उनके हर सपनों को कुचलता है, उनके लिए हर दरवाजे बंद करता है। इसलिए आज 21वीं सदी के भारत के लिए परिवारवाद से मुक्ति, परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति एक संकल्प भी है और एक नैतिक आंदोलन भी है। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी है, उनका अस्त हुआ है, वहां वहां विकास के रास्ते भी खुले हैं। अब इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी
तेलंगाना के मेरे प्यारे भाई और बहनों की है, तेलंगाना की जनता की है। साथियों, एक और भाजपा की लड़ाई तेलंगाना के भविष्य के लिए है, तो दूसरी ओर ये लड़ाई तेलंगाना के सम्मान, स्वाभिमान और पहचान की भी है। यहां एयरपोर्ट से बाहर आते ही तेलंगाना की जो हवा में महसूस कर रहा हूं, ये जो मैं दृश्य देख रहा हूं, ये तपती धूप में आप लोगों का उत्साह उमंग देखता हूं, मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि हमारा संघर्ष रंग ला रहा है। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। साथियों, भाजपा ने पिछले 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे अंत्योदय के सारे साथी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका उत्कर्ष ये हमारी आस्था है। देश का सम्मान, देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है, स्वाभिमान से जीवन जाने का प्रयास कर सकता है। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लिया, जनधन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को धुएं से आजादी देने की बात कही, उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी।